हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिनारी प्रयागराज की यूट्यूब चैनल पे। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेक्चर 13 में हम लोगों ने एक टॉपिक ख़त्म किया था। लेक्चर 14 में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, जो कि जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक, ये मॉड्यूल 1 में था नंबर सिस्टम, और लेवल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से टॉपिक है। ये बहुत ही आसान होता है, मैथमेटिकल होता है थोड़ा, और इसमें जो नंबर मिलते हैं वो पूरे मिलते हैं। ये 5 नंबर का भी आ जाता, कभी 10 नंबर का भी आ जाता है, कभी कभी हमारे ऑप्शनल में भी पूछा जाता है। यानी ये क्वेश्चन या नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन आना 100% श्योर है। ठीक, और इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही सरल होता है। ठीक, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम है क्या, नंबर सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं। नंबर सिस्टम के माध्यम आप लोग सभी जानते हैं, किसी चीज़ की क्वांटिटी को बताना है तो हम लोग नंबर, या किसी चीज़ गणना करनी है तो हम लोग नंबर का यूज़ करते हैं, नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम, जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, वो डेसिमल नंबर का यूज नहीं करता। डेसिमल नंबर का यूज़ कौन करते हैं, हम लोग करते हैं। कंप्यूटर हमारा बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल का यूज़ करता है कन्वर्जन करके। ठीक, वो भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आते हैं नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। पहला है बाइनरी, दूसरा है ऑक्टल, तीसरा है डेसिमल, चौथा है हेक्साडेसिमल। 4 तरह के पता चल गए, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। अब बात ये फंसती है, कैसे जानेंगे कि ये नंबर बाइनरी है, ये नंबर हेक्साडेसिमल है, ये नंबर ऑक्टल है। तो वो हम लोग जानते कैसे हैं, उस नंबर के बेस से, रेडिक्स से, बेस को ही रेडिक्स बोलते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं बेस रेडिक्स। ठीक, तो बेस और रेडिक्स हमें ये बताता है कि ये नंबर इस टाइप का, इस सिस्टम का है। ठीक, जैसे बाइनरी का बेस जो होता है, बाइनरी का बेस जो होता है वो 2 होता है। ठीक, का जो बेस होता है वो 2 होता है। ठीक, तो बाइनरी का बेस 2 होता है, चलो ये पता चल गया। इसमें कितने कितने नंबर आएंगे, तो बेस हो गया, नंबर कितने आते हैं हम लोग पता है 0 और 1 है बाइनरी में। बाइनरी नंबर सिस्टम कितनी कितनी वैल्यू होती है, 0 और 1। लेकिन कैसे प्रूफ करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है 0 to रेडिक्स यानी बेस माइनस। ठीक, चलो इसको रखते हैं बाइनरी नंबर के लिए, 0 to 2 - 1 क्या आएगा, 0 to 1, यानी इसमें जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 होगी। ठीक, बाइनरी का जो बेस होगा वो 2 हो गया, इसको हमने फॉर्मूला रखा, फॉर्मूला जो है 0 to r - 1 होता है। 0 to r मतलब बेस, 2 - 1, 0 to 1, तो बाइनरी नंबर कितनी वैल्यू होती है, 0 और 1 होती है। ठीक, अगला है ऑक्टल, ऑक्टल का बेस कितना होता है, का बेस 8 होता है, तो रखते हैं फॉर्मूला में, तो 0 to 8 - 1 ना होगा 0 to 7। तो कैसे लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 6, ये क्या हो गया हमारा, ऑक्टल हो गया। ठीक, ऑक्टल कितनी वैल्यू होती है, 0 से लेके 7 तक होती है, और हमारी क्या होगी, ऑक्टल। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखूं 234, कोई पूछ ले ये ऑक्टल है, क्योंकि 2 भी 3 भी 4 भी सब क्या है, 0 से 7 के बीच में है, तो ये ऑक्टल कह सकते हैं। अगर यही मैं लिख दूं 238, तो ये ऑक्टल नहीं होगा, ये क्या होगा, डेसिमल हो जाएगा। ठीक, तो यानी अगर 0 से 7 की कोई वैल्यू आती है, तो नंबर आपको पूछा जाए कि ऑक्टल है, तो आप लिख बोल सकते हैं ऑक्टल है। लेकिन अगर 238 में 7 नहीं है, मतलब 8 7 तक ही 8 एक्सीड कर रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो ये ऑक्टल नहीं होगा। ठीक, तो इसकी पहचान ऐसे ही करते हैं। अगला क्या है, डेसिमल, डेसिमल का बेस कितना होता है, सबको पता है 10, डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। इसको फॉर्मूला रखते हैं, तो 0 to जो हम लोग यूज करते हैं 0 to
टेन माइनस वन तो क्या होगा, जीरो टू नाइन, इसमें क्या कैसे होगा? जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक, एस टेन। तो डेसिमल वैल्यू में जो नंबर हो, जो वैल्यू होती है नंबर की, वो जीरो से लेके नाइन होती है। तब जो हम लोग मतलब इंसान, जो मनुष्य यूज करता है, वो गणना के लिए डेसिमल नंबर यूज करता है। 712, 715, 718 सब देखते हो इसी से बनेगा, ठीक। तो डेसिमल नंबर में 0 to 9, ठीक। अगला हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल का बेस कितना होता है? तो हेक्सा डेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है। तो रखते हैं इसमें, तो 0 to 16 -1 कितना हुआ, 0 to 15, ठीक। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको कर लेंगे 0 1 2 3 6 7 8 9। अब यहाँ रुक जाएंगे क्योंकि तो 10 तो इसमें होता नहीं, इसमें 10 को रिप्रेजेंट करते ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, 15 को एफ से, ठीक। तो हेक्सा डेसिमल में जो नंबर होता है वो 0 से लेके 15 तक होता है, लेकिन 9 के बाद, 0 टू 9 के बाद 10 को ए से प्रेजेंट करते हैं, 12 को बी से। यहाँ लिख देता हूँ, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। तो अधिकतर ये पूछा जाता है सी में, या पूछा जाता है 15 को हेक्साडेसिमल क्या लिखेंगे, तो आप आंसर लगाएंगे, आप पूछ ले 12 को हेक्साडेसिमल क्या लिखेंगे, तो आप आंसर लगाएंगे सी। तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, बेस होता है 16 होता है, और वैल्यू होती है 0 से लेके 15 तक होती है, लेकिन इसमें बदलाव ये है कि 9 के बाद जो 10 है वो ए से रिप्रेजेंट होता है, 12 है जो बी से, 11 है बी से, 12 जो सी से, 13 है डी से, 14 है ई से, 15 है एफ से, ठीक। तो ये हो गया हमारे नंबर सिस्टम, उसका बेस और उसमें कितनी वैल्यू आती है, ठीक। तो बेस हो गया, बेस बाइनरी का बेस 2, वैल्यू 0 एंड 1, ऑक्टल का बेस 8, वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7, डेसिमल बेस 10, 0 1 2 3 5 6 7 8 9, हेक्सा डेसिमल बेस 16, 0 1 2 3 4 5 6 7 9, 10 A 11 B 12 C 13 D 14 E 15 F। तो ये तो हमारा हो गया नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब अगली क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन पढ़ेंगे, क्योंकि क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कंप्यूटर है, केवल 0 एंड 1 जानता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम मान लो हमने कोई टिकट बुक किया, में सीट नंबर 2 लिखा, तो हमने जो 2 लिखा वो डेसिमल में लिखा है, लेकिन कंप्यूटर उसको क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, तो इसको कन्वर्ट करने पर बाइनरी में करेगा, फिर सर्वर पास भेजेगा, फिर वो 2 मानेगा, मतलब एक तरह से वो कन्वर्जन करेगा। तो जो हमारे एग्ज़ाम में कन्वर्जन ही आएगा, बेस भी आता है एक नंबर में, लेकिन कन्वर्जन ही आपको पे फोकस करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से हेक्सा, हेक्सा से डेसिमल। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कन्वर्जन के साथ मिलेंगे।